भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी मैच ड्रामा के बिना पूरा नहीं होता है। सैफ चैंपियनशिप के दौरान दोनों टीमों के बीच श्री कांति रवा स्टेडियम पर बुधवार को हुए मैच में भी तनाव कम नहीं था। मुकाबले के दौरान भारतीय टीम के कोच इगोर स्टिमाश की गलती के चलते काफी हंगामा हुआ और काफी देर तक मैच रुका रहा। बेहद अनुभवी कोच स्टिमाश ने उस समय दखल दिया जब पाकिस्तान के अब्दुल्ला इकबाल थ्रो इन की तैयारी में थे। स्टिमाश ने खिलाड़ी से गेंद रोकने की कोशिश की, जिसकी पाकिस्तान खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ ने निंदा की। रेफरी और अन्य मैच अधिकारियों को दोनों पक्षों को अलग करने के लिए दखल देना पड़ा। इसके बाद स्टिमाश को लाल कार्ड दिखाया गया। चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से नहीं। सामने क्राम, ये मिसाल तो आपने देखी ही होगी। जिस तरह क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपने पैसे के बल पर पाकिस्तान समेत दूसरी नेशंस को दबाने की कोशिश करता रहा है, कभी मुख्तलिफ लीग्स को खरीदा जाता है, क्रिकेट में सट्टे करवाए जाते हैं, लेकिन यही सब कुछ गुज़श्ता रोज पाकिस्तान वर्सेज इंडिया सैफ चैंपियनशिप में एक दूसरे के मध्य मुकाबले एक लंबे अरसे के बाद आए, और यही सब कुछ भारतीयों ने पाकिस्तान वर्सेज इंडिया सैफ चैंपियनशिप के मुकाबले में अपने करतूतों की वजह से पूरी दुनिया को दिखाया। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बाल छीनते थ्रो के वक्त नजर आए, जिसके बाद एक झगड़ा सा बन गया और मैच रेफरी ने मजबूर होकर भारतीय टीम के कोच को रेड कार्ड देकर ग्राउंड से बाहर का रास्ता दिखाया। पाकिस्तान ये मैच 4-0 से हारा। लेकिन आपको बताते चलें कि सैफ चैंपियनशिप के लिए भी पाकिस्तान को लेट वीजा देने की वजह से पाकिस्तान मैच खेलने से सिर्फ 4 घंटे पहले वहां पर पहुंचा। हालांकि 2 दिन पहले पाकिस्तान ने वहां पर पहुंचना था, लेकिन भारत की तरफ से वीजा में डिले या दूसरे ओछे हथकंडों की वजह से पाकिस्तानी टीम बरवक वेन्यूज पर नहीं पहुंच सकी और ना ही कोई प्रैक्टिस वगैरह की। पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से ये दरख्वास्त भी की थी कि पाकिस्तान और भारत का मैच रीशेड्यूल कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तानी खिलाड़ी एन मैच के वक्त एक लंबा सफर करके पहुंचेंगे, लेकिन ये बात हमेशा की तरह रिजेक्ट कर दी गई। खैर, पाकिस्तानी फुटबॉल अभी अपनी इब्तदाई स्टेजेस पर है, अभी उसने काफी कुछ अचीव करना है, काफी कुछ सीखना है। लेकिन कल के मैच में हार के बावजूद जिस तरह भारतीय खिलाड़ियों और उनके कोचिंग स्टाफ की अपने ही मुल्क के ग्राउंड में 2 नंबरियां सामने आई, पाकिस्तान को प्रैक्टिस न करने की इजाजत देना, मैच को रिस्केड्यूल न करना, ये चंद ऐसी बातें हैं जो इस वक्त सैफ चैंपियनशिप समेत भारतीय फुटबॉल बॉडी के मुंह के ऊपर भी एक कलंक का दाग बनकर उभर रही हैं। सारे मामले में भारत का मीडिया क्या कह रहा है, आइए आपको उन्हीं की जुबानी बताते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी मैच ड्रामा के बिना पूरा नहीं होता है। सैफ चैंपियनशिप के दौरान दोनों टीमों के बीच श्री कांति रवा स्टेडियम पर बुधवार को हुए मैच में भी तनाव कम नहीं था। मुकाबले के दौरान भारतीय टीम के कोच इगोर स्टिमाश की गलती के चलते काफी हंगामा हुआ और काफी देर तक मैच रुका रहा। दोनों टीमों के खिलाड़ी आमने सामने होंगे। इसके बाद मैच रेफरी ने एक रेड कार्ड और 4 येलो कार्ड दिए। इस मैच को भारत ने कप्तान सुनील छेत्री की हैट्रिक की मदद से 4-0 से जीता। इसके साथ ही छेत्री अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे एशियाई खिलाड़ी बन गए। ईरान के अलदेह के 149 मैचों में 109 गोल हैं, जबकि छेत्री के अब 90 गोल हो गए हैं। 38 साल के छेत्री ने सीनियर टीम के लिए डेब्यू करने के बाद पहला गोल पाकिस्तान के खिलाफ 12 जून 2005 को ही दागा था। बारिश के बीच खेले गए पहले हाफ में सुनील छेत्री के 2 गोल के दम पर भारत ने 2-0 से बढ़त बना ली, लेकिन भारत के कोच इगोर स्टिमाश की एक गलती ने तनाव बढ़ा दिया। बेहद अनुभवी कोच स्टिमाश ने उस समय दखल दिया जब पाकिस्तान के अब्दुल्ला इकबाल थ्रो इन की तैयारी में थे। स्टिमाश ने खिलाड़ी से गेंद रोकने की कोशिश की, जिसकी पाकिस्तान खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ ने निंदा की। रेफरी और अन्य मैच अधिकारियों को दोनों पक्षों को अलग करने के लिए दखल देना पड़ा। इसके बाद स्टिमाश को लाल कार्ड दिखाया गया, क्योंकि फुटबॉल के नियमों के तहत विरोधी खिलाड़ी की कार्रवाई में जानबूझकर बाधा पहुंचाने पर यही सजा है। इसके बाद पूरे मैच में स्टिमाश वहां खड़े नहीं रह सके और महेश गावली ने ये काम संभाला। भारत और पाकिस्तान टीमों के कुछ खिलाड़ियों को भी बवाल के दौरान आक्रमण रुख दिखाने के चलते पीला कार्ड दिखाया गया। इसके तहत भारत के संदेश जिंगन, पाकिस्तान के रईस नबी और मोहम्मद उमर हयात को येलो कार्ड दिखाया गया। पाकिस्तान के मैनेजर को भी भारतीय खिलाड़ी को धक्का देने पर येलो कार्ड दिया गया। भारत और पाकिस्तान सितंबर 2018 के बाद पहली बार फुटबॉल में भिड़े थे। तब दोनों पड़ोसी सैफ चैंपियनशिप सेमीफाइनल में खेले थे। उस समय भी टीम इंडिया ने जीत दर्ज की थी और आज भी टीम इंडिया के नाम ही जीत हासिल हुई है। जी बिल्कुल, फर्स्ट हाफ के बाद जिस तरीके का लफड़ा हुआ था, खास करके इंडियन टीम के जो कोच है इगोर स्टैंकोविच, उनको रेड कार्ड दिखा दिया गया था रेफरी के द्वारा। और यहाँ पर ये हम देख सकते हैं कि अगला मैच जो भारत का है इस एसएएफएफ चैंपियनशिप में, वो नेपाल से है, तो उस मैच में हम हो सकता है कि ना देखें इगोर स्टैंकोविच उनको हम नहीं देखें टच लाइन पे, क्योंकि रेड कार्ड उन्हें दिखाया गया है और एक मैच का सस्पेंशन तो रेड कार्ड पे मिलता ही है। और पटेल राहुल जी कह रहे हैं क्लीन स्वीप हो गया। जी बिल्कुल क्लीन स्वीप हो गया यार, 4-0 से पाकिस्तान की टीम को हमारी भारतीय टीम ने मात दी है।
फुटबॉल का ये मुकाबला, और सुनील छेत्री ने हैट्रिक लगाई है यहाँ पर, और चौथा गोल जो है वो उदांता सिंह ने स्कोर किया। चौथे गोल के बारे में बात करना चाहूंगा, बहुत ही अच्छा गोल मुझे वो लगा, प्रॉपर टीम वर्क, जिस तरीके का विजन वहां पर अनवर अली ने दिखाया, जो कमाल का वहां पर लॉन्ग बॉल उन्होंने दिया, लॉन्ग पास, और बहुत इजी रिसीविंग उदांता सिंह के तरफ से, और उसके बाद बहुत आसान था उसे गोल में तब्दील करना, और वो बहुत इजीली उन्होंने किया गोलकीपर हानिफ को बीट करके। तो ऑल इन ऑल बहुत ही शानदार मुकाबला मुझे यहाँ लगा है भारत और पाकिस्तान के बीच का। दोनों ही देश जब आमने सामने होते हैं किसी भी ग्राउंड में तो भाई हमें बहुत मजा आता है, और फुटबॉल वन ऑफ द पॉपुलर स्पोर्ट्स भारत में मैं कहूंगा, और जिस तरीके की पॉपुलैरिटी मुझे यहाँ देखने को मिली है, मैंने पूरा मैच देखा, जिस तरीके की भीड़ थी बेंगलुरु में, बीच में तो एक फैन जो है वो ग्राउंड पर आ गए थे सुनील छेत्री से मिलने के लिए, उन्हें सिक्योरिटी द्वारा फिर बाहर एस्कॉर्ट किया गया, जिस तरह से यही जज्बा है जो हम देखना चाहते हैं भारतीय फुटबॉल के प्रति, जिस तरह से फैंस भी ग्राउंड पर आ गए सुनील छेत्री से मिलने के लिए, सुनील छेत्री को गले लगाने के लिए, और आज सुनील छेत्री ने उस तरीके का प्रदर्शन भी दिखाया है पाकिस्तान के खिलाफ, मतलब क्या कहें, पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट में विराट कोहली और फुटबॉल में सुनील छेत्री दोनों ही शानदार प्रदर्शन दिखाते हैं। सुनील छेत्री ने बहुत ही अच्छी हैट्रिक लगाई यहाँ पर, और अगर बात करूं मैं अटैकिंग प्ले की, तो यहाँ पर अटैक में तो पूरा डोमिनेंस था ही हमारा, लेकिन डिफेंसिव प्ले की भी अगर बात की जाए तो हमने 19 टैकल्स जीते हैं पाकिस्तान के खिलाड़ियों के खिलाफ, वही पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने हमारी टीम के खिलाफ सिर्फ 10 टैकल्स यहाँ पर जीते हैं, 19 क्लियरेंसेस हमने किए हैं, 6 इंटरसेप्शन हमने किए हैं, मतलब डिफेंस में भी एक तरह से हमारी टीम काफी शानदार थी, तभी एक भी गोल यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से नहीं पड़ा, एक क्लीन शीट इंडिया की डिफेंस के लिए, और बहुत ही शानदार प्रदर्शन, चाहे वो डिफेंस में हो चाहे वो अटैक में हो, दोनों ही डिपार्टमेंट में यहाँ पर भारत ने अपना दबदबा जमाया है। और अगला मुकाबला जो भारत का है SFF चैंपियनशिप में, आपको बता दूं कि नेपाल से है, और नेपाल से ये मुकाबला आपको देखने को मिलेगा इसी फैन कोड OTT प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलेगा, और 24 जून को है ये मुकाबला 7:30 PM शाम में, नेपाल वर्सेस इंडिया। इस मुकाबले में बहुत मजा आएगा, हमारे पड़ोसी मुल्क है नेपाल, और नेपाल फुटबॉल में काफी अच्छी मानी भी जाती है, लेकिन ये देखना होगा कि भारतीय टीम से अच्छी है कि नहीं, क्योंकि भारत की टीम तो जिन्होंने आज पूरी तरह से महफिल जमा दी, 4-0 से पराजित किया पाकिस्तान की टीम को, और खास करके सुनील छेत्री ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया, मैच बॉल भी अपने नाम किया। आपको बता दूं कि जो भी खिलाड़ी हैट्रिक लगाता है फुटबॉल में उसकी वो मैच बॉल मिलती है, और मैच बॉल आज सुनील छेत्री के नाम। पटेल राहुल कह रहे हैं नेपाल ने इंडिया को हराया पहले, जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप पटेल राहुल जी, नेपाल ने पहले भारत को हराया है, और ये अब हमारा समय है कि हम उसे बदला लें उस हार का, और 24 जून को हम नेपाल को भी पराजित करें और सेमीफाइनल्स में अपनी जगह पक्की करें यहाँ पर SFF चैंपियनशिप की। और मुझे बहुत उम्मीदें हैं भारत से इस टूर्नामेंट में कि ये टूर्नामेंट भारत जीतने वाली है, क्योंकि होम ग्राउंड है, बेंगलुरु में मुकाबले हो रहे हैं, आप होम कंडीशंस का फायदा उठाइए, SFF चैंपियन बनिए, अभी कुछ दिनों पहले ही इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन हम बने हैं, और एक और ट्रॉफी हमारे कैबिनेट में, हमारे फुटबॉल के कैबिनेट में हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो यही हुआ इस मैच में कि भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से हराया है, बहुत ही शानदार जीत, सुनील छेत्री ने हैट्रिक लगाई, उसके बाद उदांता सिंह का भी एक शानदार गोल आया, मैच में काफी लफड़ा भी हुआ फर्स्ट हाफ के समय, जब कोच इगोर स्टाकोविच को रेड कार्ड दिखाया गया, उसके बाद पाकिस्तान के भी जो कोच है उन्हें भी येलो कार्ड दिखाया गया, डिफेंडर्स को येलो कार्ड दिखाया गया, मतलब पूरी तरह से मैच में जो दबदबा रहा, रेफरी ने भी जिस तरह से मैच को कंट्रोल किया, मतलब लगातार कार्ड्स पे कार्ड्स दिखाए जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे जिस तरह से फीफा वर्ल्ड कप का मुझे मुकाबला याद आ गया नेदरलैंड्स और अर्जेंटीना का, जहां रेफरी ने 14 येलो कार्ड दिखाए थे,